Good morning, class. Today we are going to start with the first chapter of mathematics, and the name of the chapter is Natural Numbers and Whole Numbers. But before proceeding with the chapter, let us revise some concepts that you have read in your previous classes. Okay, तो हम start करेंगे introduction session से. So आपको याद होगा, आप लोगों ने numbers पढ़े हैं, उसमें आपने place value, face value, Indian and international number system पढ़ा है, ठीक है? तो हम यहाँ से start करेंगे. So first is fill in the blanks. A part, the place value of 5 in 37,572 is. तो सबसे पहले आती है बात place value की. Place value जो है वो हम किसे कहते हैं कि जो given number है वो किस place पे है, और value means कि वो जिस place पे है उस value के साथ उसको multiply करना है. जैसे यहाँ पे 5 जो है, number क्या है? 5, ठीक है? 5 जो है वो कौन सी place पे है? Ones, tens and hundreds. तो जो 5 है that is on hundreds place. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम multiply करेंगे किसके साथ? 100 के साथ. Okay, so answer हमारे पास कितना आता है? 500. Is this clear? Next is B part. It occurs at dash place in 1,05,876. इसमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सी प्लेस पे है. प्रीवियस में उन्होंने प्लेस वैल्यू पूछी थी, और नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जो 8 नंबर है, जो हमारे पास डिजिट है 8, वो इस गिवन नंबर में किस प्लेस पे है. सो इट इज़ ऑन वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो ये कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे. इज दिस क्लियर? अगेन, place value of 4 in 42,160. This blank is similar to the part A. So, ये आप लोग खुद करोगे. This is your homework. Similarly, D, 5 occupies the dash place in 37,652. ये भी similar है B में जो हमने वहाँ पे किया था. तो ये भी आपका homework है. जो similar है वो आप try कर सकते हैं. वैसे भी आप लोगों ने previous classes में किया हुआ है, तो I am sure कि आप लोगों को ये concepts वैसे ही clear होंगे. Next E part, the face value of the given number 7 in this number 47,09,606. अब इसमें देखिए face value बतानी है, तो आप लोगों ने याद रखना है जो face value है this is the number itself. तो इस number में जो face value है 7 की वो क्या है? 7. Okay. Next F part, तो यहाँ पे आपने क्या किया, हमने यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने मल्टीप्लाई करना है. ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है आपको ऑलरेडी, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है और इसको ऐड करके आंसर लिखना है. तो आप ये भी आप लोग खुद ट्राई करिएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है इन सम अदर वे. सो ये भी आप लोग खुद ट्राई करोगे. मैं आपको इस वर्कशीट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको साथ में इसका सोल्यूशन भी दूंगी. बट उससे पहले आप इसको खुद सिंप्लीफाई करना और फिर अपने आंसर्स जो है उनको मैच करना, ठीक है? नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 5 इन द गिवन नंबर. तो इसमें हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट डज द वर्ड प्रोडक्ट मींस? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. दैट मींस कि हमने 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है? प्लेस वैल्यू देखिए 5 के यहाँ पे क्या आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. सो इट इज़ थाउजेंड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो दैट इज 5000. ओके, एंड द नेक्स्ट इज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था इट इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो फेस वैल्यू इज 5. आफ्टर दैट उन्होंने हमें बोला कि हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो प्रोडक्ट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5. प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू. तो इसका आंसर कितना आएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25000. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है अच्छे से. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट
largest four digit number and the smallest four digit number and write the product in expanded form also. तो सबसे पहले हमने क्या find करना है, largest four digit number and smallest four digit number. तो हम पहले लिखते हैं largest four digit number, that is, अब बताइए largest four digit number कौन सा होगा, that is 9999. similarly we will find the smallest four digit number, that is 1000. is this clear? अब हमने अगेन इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट का मैंने आपको भी मीनिंग बताया था, प्रोडक्ट वर्ड का मतलब है वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन. सो प्रोडक्ट विल बी 9999 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो आंसर विल बी दिस. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है सबको. जिसको कहीं पे नहीं समझ आ रहा वो फिर से इसको रिवाइंड करके वीडियो को साथ साथ में दोबारा से देख लेना. नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. यहाँ पे उन्होंने बोला है राइट ऑल द पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 7, 5 एंड 1. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने जितने भी पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं. तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, बाकी आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे. जैसे फर्स्ट नंबर हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 को फिक्स कर देते हैं 175. दूसरा नंबर क्या बनेगा 157, देन 517, 571, देन 715 एंड 751. ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है. दैट मीन्स कि आप किसी भी नंबर को दो बार रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब हर एक नंबर में जो डिजिट है वो एक एक बार ही आना चाहिए. सो द नेक्स्ट इज राइट ऑल थ्री पॉसिबल नंबर्स थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4, 0 एंड 6. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि नंबर जो है वो थ्री डिजिट होना चाहिए. ठीक है, अब नंबर्स देखिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 4, 6. इज इट पॉसिबल टू राइट अ थ्री डिजिट नंबर? नो, बिकॉज कोई भी नंबर जो है अगर वो ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 046, तो 046 बेसिकली क्या है, सिर्फ 46 ही है. तो 46 तो हो गया टू डिजिट नंबर. ठीक है, तो लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने थ्री डिजिट नंबर लिखना है. तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन नंबर्स को हम ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे. तो बाकी जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 406, 460 एंड सो ऑन. ठीक है, ये आप बाकी ये इसके जितने भी नंबर्स हैं वो आप लोग खुद फाइंड आउट करिएगा. दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, द नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो आप लोगों ने पहले इंडियन नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही है. ठीक है, तो ये हमें नंबर गिवन है यहाँ पे. इस नंबर को हमने लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंगली. ओके, तो यहाँ पे नीचे चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा. पहले यहाँ से डिजिट चेक करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख. ठीक है, सो द आंसर विल बी 87,51,000 51,432. आई होप दिस इज क्लियर. दिस 87,51,432. इसके बाकी यहाँ पे हमारे पास बी सी और डी पार्ट हैं,
यू कैन रेफर दिस चार्ट, बस तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया है, आई होप कि आप लोगों को चार्ट वैसे ही लर्न होगा। तो ये जो बाकी पार्ट्स हैं बी सी एंड डी, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद फाइंड आउट करेगा, और इसमें से नहीं पता चलेगा तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को मैच कर सकते हैं इनके साथ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब हमने जो पहले हमने इंडियन सिस्टम में लिखे थे, अभी हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, वंस है मेन कैटेगरी, थाउजेंड्स है और मिलियंस है। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन। सो वी राइट इट लाइक दिस, 5 मिलियन, 7, 100,000, ठीक है। नेक्स्ट इज 3, 10,000 भी आप लिख सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली 37,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड टू 5 मिलियन, 700,000, 37,802, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5,737,000, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5,737,802। सो बाकी सेम पार्ट्स हैं बी सी एंड डी, दीज आर योर होमवर्क, ये आप लोग खुद करिएगा, सिमिलर है, आप लोगों ने इस चार्ट के साथ मैच करके बस इसके आंसर्स जो हैं वो लिखते जाने हैं। नेक्स्ट इज राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी सेम है, उन्होंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंशन इसकी दे दी है, वर्ड्स में लिख के बता दिया है, और आपने इसका नंबर मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ योर होमवर्क, ट्राई इट, मैं साथ में आंसर की दूंगी आपको, आप इसको पहले खुद ट्राई करिएगा, देन अपने आंसर्स को मैच करिएगा इसके साथ, क्योंकि ये रिवीजन हमारा रिवीजन लेक्चर है, तो इसीलिए मुझे पता है कि आप लोग खुद कर सकते हो इसको सॉल्व। नेक्स्ट इज हाउ मैनी लैक्स मेक 6 मिलियंस। सो लैक्स और मिलियंस को हम यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए मिलियंस हैं, मिलियंस के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करिए कितने लाख बन रहे हैं, 10 लाख, दैट मीन्स 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि ये 10 लाख कैसे हमें पता चला, ठीक है। तो उन्होंने पूछा 6 मिलियंस में क्या आंसर आना चाहिए, तो 6 मिलियंस इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट विल बी 60 लाख, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट उन्होंने पूछा हाउ मैनी मिलियंस मेक 17 करोड़। अब यहाँ पे फिर से मैच करते हैं, देखिए ज़रा करोड़्स की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। करोड़्स में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने मिलियंस हैं यहाँ पे, 10 मिलियंस, ठीक है। सो 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियंस, ठीक है। और पूछे कितने में, उन्होंने 17 करोड़्स में पूछा है। 17 करोड़्स में कितने मिलियंस हुए, फिर 17 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट विल बी 170 मिलियंस। सो विद दिस द वर्कशीट इज़ फिनिश्ड। आप एक बार इसको अच्छे से सुनिए, नहीं कहीं पे समझ आता उसको रिवाइंड करिए, और ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। मैं साथ में इसकी वर्कशीट अलग से बना के दूंगी आपको, और इसका सोल्यूशन भी दूंगी, और आपने इसको अच्छे से समझ के इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन भी करना है। थैंक यू।